हेलो। हाँ, जी बोलिए। खुशबू कुमार से बात हो रही है क्या? बात नहीं बोलिए। करवाइएगा उनसे बात कर रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? कौन क्या? बोल रहे हैं? उनसे बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हरविंदर कुमार, उनका शायद हस्बैंड या फादर नाम है। बोलिए। शायद बोल रहे हैं, हाँ बोलिए। हस्बैंड नेम है धर्मेंद्र कुमार हस्बैंड नेम है ना? अच्छा, हाँ, मेरा ही ना। आप उनके हस्बैंड बात कर रहे हैं, खुशबू कुमारी का? जी जी लेडीज सुपरवाइजर के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे, सरहन जी के लिए किए थे, सरहन जी डिस्ट्रिक्ट के लिए किए थे ना? हाँ, छपरा डिस्ट्रिक्ट के लिए किए थे। उनका जो यहाँ आया हुआ हमारे पास डॉक्यूमेंट सिलेक्शन होने के लिए, तो उनका जो यहाँ जो नाम नहीं है मेरिट लिस्ट में, तो क्या उनका जो हमारे स्टाफ कोटा के माध्यम से जो 3 सीट खाली बचे हुए हैं, तो क्या उनका जॉब करवाना या नहीं करवाना? जॉब करवाना था तभी ना अप्लाई किया। हाँ, तो अप्लाई किए हैं तो उनका जो मेरिट में नाम नहीं आया था, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। अगर स्टाफ कोटा के माध्यम से सीट खाली बचे हुए हैं तो आप करवाना चाहते हैं, तो आपका ये डोनेशन कुछ लगेगा तो आपका यहाँ से सीट कन्फर्म कर दिया जाएगा। हेलो जैसे कि स्टाफ कोटा के हेलो। माध्यम स्टाफ कोटे के माध्यम से सीट खाली बचे हुए हैं, जी। हाँ, अगर करवाना चाहते हैं उनको जॉब, तो जो भी यहाँ कुछ आपको खर्च देना पड़ेगा, आपका सीट यहाँ से जो सिलेक्शन का जो नोटिफिकेशन आपका जेमेल पर मिल जाएगा, कितना देना पड़ेगा? आपका टोटल लगेगा 20,000, ठीक है ना? जो आज का डेट में 10,000 लगेगा और 10,000 जो आने के बाद लगेगा। 10,000 रुपये ऐसे देना पड़ेगा? 10,000 10,000 जो आपके यहाँ से सिलेक्शन जो नोटिफिकेशन जो मिलेगा और सीट कन्फर्म होगा, जी। उसका जो 10,000 आज का डेट में लगेगा। के डेट और जैसे कि आप करवाना है ना उनको जो है, हाँ, में? जी। तो आपका स्टाफ कोटा के माध्यम से जो है सिलेक्शन किया जा रहा है, ठीक है ना? जो कुछ आपका डोनेशन खर्च होगा तो आपका यहाँ से सीट कंफर्म कर दिया जाएगा। जो आपका मेरिट यहाँ क्लियर किया जा रहा है, मेरिट क्लियर करके जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जी। हाँ, तो उसके लिए जो 10,000 लगेगा आज का डेट में। ओ, तो फिर देना कैसे पड़ेगा 10,000 रुपया? अच्छा, आप डॉक्यूमेंट आपको व्हाट्सएप, हमारा व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना होगा। व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना होगा। कौन व्हाट्सएप नंबर है? नंबर नंबर नोट कीजिए। अरे नोट हम कलम नहीं है, भेज दीजिए। व्हाट्सएप पर है तो या कुछ मोबाइल लिख करके मोबाइल में भेज लिखिए, दीजिए। मोबाइल में लिखिए ना। अच्छा ठीक है, लिख लेता था। आप कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम है रुपेश प्रसाद, कमिश्नर ऑफिस पटना से बात कर रहा हूँ। हाँ, तो टोटल पैसा कितना देना पड़ेगा? टोटल आपको टोटल खर्च आपको 20,000 आएगा, ठीक है ना? ओ, माने कौन स्टाफ कोटा से होगा भाई? डीएम साहब के कि कमिश्नर साहब के? क्या माने कौन स्टाफ कोटा से होगा, ये बता दीजिएगा तब ना। आपका कमिश्नर ऑफिस जैसे कि यहाँ से आया हुआ, ठीक है ना? आपका यहाँ से किया जाएगा, ठीक है ना? आपका डिस्ट्रिक्ट में आपका जो होगा ना, बाकी का अगरवाड़े का जहाँ आपका जो क्षेत्र है, जहाँ आपका ना जो होगा यानी गाड़ी रोक के बात कीजिए ना, पंखा वहाँ कुछ आवाज आ रहा है, गाड़ी रोक के श्रीमान बात कीजिए। यहाँ काम चल रहा है थोड़ा। जी जी, तो थोड़ा रोक के तो बात कीजिए जी। बोलिए, करवा हेलो, हाँ बोलिए श्रीमान। करवाना करवाना है। हाँ, है तबे ना बात कर रहे हैं, नहीं तो फोन कट नहीं कर देते। नंबर नोट कीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है बोलिए। 8 5 9 7 3 8 3 9 जी। 4 1 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे अपना जो वाइफ है उनका डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड का दोनों साइड का फोटो और हिंदी इंग्लिश में उनका सिग्नेचर और एक पासपोर्ट साइड का फोटो, इसी नंबर व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। पूरा जी, पूरा नाम अपना बताइएगा, पूरा नाम। नाम मेरा रुपेश प्रसाद हुआ, ठीक है ना? तो ऑफिस कौन ऑफिस से? कमिश्नर ऑफिस पटना से बात कर रहा हूँ, लोधीपुर से। लोदीपुर से था कोई? अच्छा एक बात बताएं, अब वहाँ मेरा मेरे भाई रहते हैं, तो बोलिए तो डायरेक्ट हम आपके हाथ में ही नहीं दे देंगे रुपया? देखिए देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, आपके जब हाथे में लेना था तो आपका पास हम कॉल थोड़ी करते हैं कि डायरेक्ट यहीं बुला लेते हैं। तो बुला बुला लीजिए आपका वहाँ। देखिए, आपका अंदर से काम हो रहा है, ठीक है ना? आपका स्टाफ कोटे के माध्यम से समझ रहे हो माने कि आपका स्टाफ स्टाफ कोटा, स्टाफ सुनिए, हमारे स्टाफ फादर कोटे के है ही माध्यम से नहीं। हाँ जैसे बोलिए।
जैसे कि आपका एलिगेटर से काम किया जा रहा है, ठीक है ना, आपका जो है मायट यहाँ क्लियर किया जा रहा है, आपका मायट में नाम नहीं आया था, इसलिए आपका जो हमारे स्टाफ को मध्यम सीट बचे उसमें से आपको मिल रहा है, ठीक है ना। मेरिट में नाम नहीं आया है जी, नहीं है, इसीलिए आपके पास कॉल किया गया है। मेरा तो EWS के अंतर्गत 13 नंबर पर है और आप बोल रहे हैं कि मेरिट लिस्ट में है ही नहीं। नाम आपका सिलेक्शन आपके पास कॉल किया है कभी भी? कॉल गया है, कॉल मान जब नेट पर ही है तो कॉल क्यों आएगा? जैसे तो अगर नहीं, अगर होता तो आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता? तो अभी अभी फाइनल लिस्ट मेधा सूची बना ही नहीं है तो फिर सिलेक्शन का बात कहाँ आता है? तो आपका फिर सिलेक्शन है, जैसे कि यहाँ अगर करवाना है तो आपका जो मायरेट यहाँ से क्लियर किया जाएगा, आपका मायरेट में जब नाम आया हुआ है जी जी, तो आपके पास नोटिफिकेशन सिलेक्शन कोई चीज का मैसेज मिला आपका जेमेल पे? मेल पर जब फाइनल होगा तब ना मिलेगा, अभी तो फाइनल जैसे कि हमारे पास आया हुआ है इसलिए तो आपका फाइनल नहीं हुआ, इसीलिए तो आपके पास कॉल किया गया है। कितना सीट है इसमें? अभी टोटल आपका जो 10 बचा हुआ, ठीक है ना। कितना टोटल? कितना टोटल? सुनिए, छापड़ा सारण में कितना टोटल, कितना सीट पर हो रहा है? क्या यहाँ अभी 3 सीट है, ठीक है ना, 3 सीट पर हो रहा है। तीन सीट पर हो रहा है। दृष्टि आपका कहाँ है पड़ता है? फिर पूछ रहे हैं कहाँ, जब आपके पास डॉक्यूमेंट है तो पूछ रहे हैं कि कहाँ पड़ता है, आप देख के बताइए ना। यहाँ तो सारण दिया हुआ है जी, जी सारण दिया हुआ है जी जी। उनका आपका बाप का डेट ऑफ बर्थ है 25/8/1992 है ना? जी 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 है। क्या करवाना है तो डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट देखिए, आजकल फर्जी लोग का बड़ी फोन आ रहा है, ठीक, तो डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करेंगे। अगर कहिएगा तो वहाँ लोदीपुर के बगले में मेरे भाई रहते हैं, फिर देखिए अगर नहीं है तो आपका देखिए 2 बजे तक इसका काम रहता है अपलोडिंग का, अगर 2 बजे के बाद अगर नहीं करवाते हैं तो आपका जो है ML उस पर आपका नोटिफिकेशन रिजेक्ट का उनका मिल जाएगा, ठीक है ना, चेक कर लीजिएगा, आपका जो यहाँ से नोटिफिकेशन मिल जाएगा रिजेक्ट का। जी जी जी, देखिए इस फोन से ना, सुनिए ना, इस फोन से बहुत सारा फोन आया मेरे नंबर पर, डिमांड किया गया पैसा का, फिर नहीं मैंने नहीं बोले तो गाली, अगर फोन आया गाली उली दिया गया, सुनिए इसीलिए तो नहीं जॉब हो पाता है ना, तो इसलिए तो जॉब नहीं हो पाता है ना। है ना, हम ऐसे अपना मशरक स्थानीय थाना में सनहा दर्ज करा दिए हैं और DMSP साहब से जा रहे हैं मिलने के लिए, ठीक, पैसा के लिए डिमांड किया जा रहा है, ठीक, और आगे जो होगा तो आप तो स्वतंत्र हैं, जितना चाहे उधर से आप गाली दे सकते हैं, हम तो देंगे गाली। देखिए गाली हम आपसे, हम गाली के लिए आवाज निकाले, बोलिए आप भी, आप नहीं निकाले हैं, लेकिन आपके आपसे पहले 4 बार फोन आ गया है, जैसे है? कि आपके पास हम कॉल किए हैं तो गाली का लफ्ज दिए है, आपको कुछ मेरा बात देखिए, मैं बता रहा हूँ मेरा बात ऐसे, आपको कुछ लगा कि आपके हमारे तरफ से आपको कुछ नहीं, लग रहा आप, कि नहीं आप, आपके तरफ से नहीं लगा, अभी तो अभी आप पैसा का डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, बाद बाकी गाली तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपके, हाँ बोलिए आप, देखिए मैं बता देता हूँ सर, देखिए आपका मर्जी है सर, अगर आपको करवाना है तो करवाइए, देखिए आपसे जो दवासी नहीं कि आप करवाइए, ठीक है, हमारा जो काम है था जो आपको हम कर दिए हैं, फिर आपका यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आप चेक कर लीजिएगा आपका जो जीमेल है ना श्रीमान, आपका कल भी फोन आया था मेरे यहाँ, ठीक है, तो हम आपके ऑफर किए तो आपको पता ही नहीं था कि हम किए हैं फोन, नहीं किए इसी नंबर से किया था सर, इसी नंबर से फोन आया था, नहीं इस नंबर से तो कॉल नहीं किया है आपके पास, सुनिए ना, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है मोबाइल में, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, तो कल का कॉल किया है तो मुझे व्हाट्सएप नंबर अभी लिखा है ना, हाँ व्हाट्सएप नंबर तो आज बोले हैं आप, क्या व्हाट्सएप नंबर तो आज बोले हैं ना, व्हाट्सएप नंबर आज बोले हैं, हाँ ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आज बोले हैं ना सर, तो जैसे कि आप रिकॉर्डिंग कर रखे ना कल का, तो उसी नंबर व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, ठीक है ना, या हम कॉल किए हैं या दूसरे कॉल किए हैं, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप नकल था ना आज है, ठीक है, तो व्हाट्सएप है ही नहीं, ठीक है, अगर आपको नगद चाहिए तो बताइए, पूरा आप रहिए, 1 घंटा का समय दीजिए, नहीं देखिए नगद लेना चाहते हैं सर, आपसे लेना चाहते थे,
आपको हम यही बुला लेते डायरेक्ट, आपके पास नहीं कॉल तो, नहीं करते नहीं कि तो फिर हम सुनिए सुनिए, हम खाता से क्यों भेजेंगे, नगद चलो बोलिए ठीक है, ना। चलो ठीक है सर, आपको ऐसा लग रहा था आप रहने दीजिए, आपका हाथ रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ रिजेक्ट रिजेक्ट करवा दीजिए, रिजेक्ट चलो करवा ठीक, दीजिए। चलो ठीक है सर, ठीक ठीक है।